आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। एनटीपीसी खरगोन ने जिला स्तरीय एथलेटिक मीट का आयोजन किया। जैसा कि कहावत है, एक एथलीट अपनी जेब में पैसा लेकर नहीं दौड़ सकता, उसे अपने दिल में आशा और दिमाग में सपने लेकर दौड़ना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को पंख देने के लिए जिला स्तरीय एथलीट मीट 2023 एनटीपीसी खरगोन और जिला शिक्षा विभाग खरगोन के सहयोग से दिनांक 23 नवंबर 2023 शौर्य क्रीड़ांगन एनटीपीसी खरगोन में भव्य आयोजन हुआ। जिला स्तरीय एथलीट मीट 2023 में 26 स्कूलों के लगभग 500 छात्रों ने भाग लिया। एथलेटिक्स मीट में अंडर 14, 17 और 19 में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, डिस्क थ्रो, शॉट पुट, भाला, हैमर थ्रो जैसी 14 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। सभी स्पर्धाओं के विजेता भोपाल में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय एथलेटिक्स मीट में सहभागिता करेंगे। श्री सुभाषीष बोस BUH एनटीपीसी खरगोन, श्री शैलेंद्र सिंह कानूड़े जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन, श्री मोहन GM ONM, श्री PK लाड GM TS, श्री S यादव GM FM एंड माउंट, श्रीमती देविका बोस अध्यक्ष अहिल्या महिला मंडल की उपस्थिति रही। श्री सुभाषीष बोस ने कार्यक्रम का उद्घाटन मशाल को प्रज्वलन कर किया और सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई कि खेल भावना से खेल को संपन्न करने का सभी प्रतिस्पर्धियों को संकल्प दिलाया। उद्घाटन समारोह में सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया। श्री शैलेंद्र सिंह कानूड़े जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन द्वारा प्रतिभागियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए और एथलीट मीट खेल भावना से संपन्न करने की शुरुआत की घोषणा की और खिलाड़ियों के बीच शांति और दोस्ती का संदेश फैलाया। श्री कानूड़े ने सभा को अपने संबोधन में कार्यक्रम आयोजन और छात्रों को आधुनिक मंच प्रदान करने में एनटीपीसी खरगोन के प्रयासों के साथ ही एनटीपीसी के द्वारा की गई विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों की सराहना की। इस बड़े एथलेटिक्स कार्निवाल को संबोधित करते हुए श्री बोस ने कहा, खेल आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच एकजुटता, सौहार्द और एकता की भावना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। समापन समारोह में भाग लेने वाले छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखी गई। विभिन्न श्रेणियों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं ट्रॉफी और उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। एनटीपीसी खरगोन द्वारा प्रशिक्षकों और सरकारी अधिकारियों की सराहना की और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मैदान में एथलीट खुश थे और बड़े उत्साह ऊर्जा से एथलेटिक मीट सफल रही और जिला शिक्षा विभाग द्वारा इसकी काफी सराहना की गई। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट।